हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। यूजुअली इस नाउन को लेकर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वैसे पांच टाइप के नाउन होते हैं, लेकिन वो याद करना, उनको समझना, उनके डीप में जाना, हर बात का याद रखना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उन सब चीज़ों को समझना थोड़ा सा एक नॉर्मल बच्चे के लिए या जो स्पीकिंग कर रहा है उसके लिए उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो नाउन को समझने के लिए अगर मैं तरीका आपको बताऊं, और इस तरीके से अगर आप नाउन को समझेंगे तो बड़ा आसान सा तरीका है, और ये वो तरीका है जो तरीका आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला तो आता है सेंस, और नंबर टू आता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रख लेंगे तो नाउन को आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, जो पांच कैटेगरीज हैं वो ग्रामर के लिए ज़रूरी हैं। ग्रामर की नॉलेज है, आप कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, वो उनके लिए ज़रूरी होता है जो नाउन की पांच कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर कोई 35 प्लस है, वो जॉब में सेटल है, वो उनको ज़रूरत ही नहीं उन चीज़ों को जानने की। उनको तो स्पीकिंग की ज़रूरत है। स्पीकिंग के लिए नाउन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, स्पीकिंग में नाउन क्या वैल्यू रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं नाउन के बारे में नॉलेज रखने की, कितने टाइप के नाउन होते हैं, कौन कौन से, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये नाउन की जो डेफिनेशन है उनके लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश में जिनको लगे कि हाँ नाउन क्या होता है स्पीकिंग के लिए और कितना उनको ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं सेंस की बात करूँ तो यूजुअली हमारी पाँच सेंस होती हैं। एक इंसान की पाँच सेंस होती हैं। कौन कौन सी? किसी चीज़ को अगर वो देख सकता है, किसी चीज़ को अगर वो टच कर सकता है, किसी चीज़ को अगर हम सुन सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट, या फिर हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली सेंस हर इंसान के पास से पांच सेंस होती हैं। इन्हीं सेंस से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी नाउन को जज करने की। अगर ये पांच सेंस के आपको रूल समझ आ गया तो नाउन को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सी, जिस किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं वो नाउन कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे ये पेन है आप इसे देख सकते हैं, बोर्ड है आप इसे देख सकते हैं, ये घड़ी है आप इसे देख सकते हैं, लैपटॉप है आप देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को भी आप देख सकते हैं वो नाउन है। सिंपल, एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ, जिसको आप देखेंगे वो नाउन होगा, वो ना बड़ा आसान। नेक्स्ट, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो नाउन होता है। जैसे सेम एग्जांपल मैं दूंगा, बोर्ड है आप इसे टच कर सकते हैं, ये मार्कर इसे आप टच कर सकते हैं, फ़ोन है आप उसे टच कर सकते हैं, तो वो नाउन कहलाया जाता है। ऐसा जरूरी तो मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा होता है जिसको हम देख सकते हैं उसे टच भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे आसमान उसे देख सकते हैं, उसे टच थोड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हियर, जिसको हम सुन सकते हैं वो नाउन कहलाया जाता है। जैसे मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, आप मेरी आवाज़ है, जब फ़ोन हम सुनते हैं उस सुनकर हम पहचान जाते हैं कि उसकी आवाज़ है। तो जिसको हम सुन सकते हैं, म्यूज़िक है, सॉन्ग्स हैं, जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं नाउन कहलाया जाता है, चाहे वो आवाज़ हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो। और ऑब्वियस बात है, सुनना तो आवाज़ को ही जाता है। नेक्स्ट, स्मेल, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। सपोज फूल है कोई, उसको स्मेल अगर हम करें, स्मेल करके तो बताएंगे कैसी स्मेल है इसकी। और लास्ट बचा है आपका टेस्ट, टेस्ट जिसको हम खा सकते हैं। जैसे फूड है, फूड को हम खाकर बता सकते हैं कैसा, फूड को देखकर कोई पता नहीं लग सकता, टच के कोई पता नहीं लग सकता, हियर से कोई पता नहीं लग सकता। खाने का पता कैसे लगेगा? जब हम उसे खाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तब हम उसको बता सकते हैं खाना कैसा है। तो जहाँ भी आप ये पाँच कैटेगरी देखें वो नाउन होता है। बात करते हैं, आप कोई टेंशन ले ही ना, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और आप टेस्ट कर सकते हैं, वो नाउन कहलाया जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनके अलावा भी एक बात और आती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाव होता है, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जहाँ भाव प्रकट होता है। भाव मीन्स यानी कि जिस चीज़ को आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक वर्ड लिखता हूँ मैं आपको, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को ना तो देखा जा सकता है, ना टच किया जा सकता है, ना स्मेल किया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दिमाग की उपज, यानी जिस चीज़ को हमारा दिमाग समझ सकता है। ऑनेस्टी हुआ, पिटी हुआ, दया मर्सी है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये दिमाग की उपज होती हैं। जिन चीज़ को हम इस तरह फील कर सकते हैं, इस तरह दिमाग की उपज से समझ सकते हैं, वो भी हमारी नाउन कहलाई जाती है। तो सिंपल नाउन की डेफिनेशन क्या है? जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जो फाइव सेंस हमें भगवान ने दी हैं, अगर उनमें से कोई भी एक है तो वो नाउन हो जाता है। चाहे भले आप उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर उसे आप स्मेल कर सकते हैं, या फिर उसे खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी आपको मिल जाए तो वो नाउन कहलाएगा। आमतौर पर
अगर आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, नाउन की 5 कैटेगरी होती है, यानी कि नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये अब थोड़ा सा डीप में नॉलेज आ जाती है ताकि आप प्रॉपर और अच्छे से समझ सकें। जैसे प्रॉपर नाउन से आपका मतलब समझ गए होंगे, 5 टाइप्स की कैटेगरी होती हैं, प्रॉपर से आप समझ गए होंगे कोई भी जो प्रॉपर स्पेसिफिक जो होता है वो प्रॉपर कहलाया जाता है। नाउन की डेफिनेशन वैसे यूजुअली आपको पता होगा, नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, किसी पर्सन किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वो ठीक है, आपको वो अच्छी बात है, वो भी अगर आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं क्या, अगर किसी का भी नाम कोई प्रॉपर, यानी कि नेम ही लिख सकता हूँ, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम होता है, नेम का हो या प्लेस का हो या किसी भी चीज़ का प्रॉपर अगर नाम है, स्पेसिफिक अगर नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। सपोज जैसे मेरा नाम कपिल है, तो कपिल क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी का नाम राम है तो राम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी का नाम राकेश है तो राकेश क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। यानी कि किसी का भी नाम जो होता है, जो प्रॉपर है, वो स्पेसिफिक है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो कॉमन से आप समझ सकते हैं, जो सब में कॉमन होता है। कॉमन नाउन जाति को शो करता है, यानी कि जो एक कॉमन वर्ड पूरी कम्युनिटी पूरी जाति को शो करे वो कॉमन कहलाया जाता है। सपोज मेरा नाम कपिल है लेकिन बॉय, अब लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ही, अगर मैं बॉय बोल दूँ तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को, बॉयज हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है। जैसे अगर सपोज मेरे पास सैमसंग फ़ोन है, सैमसंग है तो वो स्पेसिफिक नाम है, लेकिन अगर मेरे पास फ़ोन है तो वो कॉमन हो जाता है। सपोज अगर किसी के पास गाड़ी है, अगर गाड़ी हुंडई है तो वो एक नाम हो गया, ठीक है, लेकिन अगर वो कार है तो वो कॉमन हो गया। जैसे मैं मेरठ रहता हूँ तो मेरठ क्या है, मेरठ तो नाम है, प्रॉपर हो गया, लेकिन अगर मैं सिटी लिख देता हूँ तो सिटी तो कॉमन है। यानी कि जिस वर्ड से पूरी जाति को शो होता है वो कॉमन नाउन कहलाया जाता है। थर्ड नेक्स्ट आता है मटेरियल। मटेरियल से आपको पता लग जाता है, जो मटेरियल होता है जैसे गोल्ड है, आयरन है, लेदर है, सिल्वर है, जिस चीज़ से प्रोडक्ट बनते हैं वो मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो भाव को प्रकट करता है, ये मैंने पहले अभी जिक्र किया है इसका, जैसे ऑनेस्टी है, पिटी है, काइंडनेस है, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्ट से आपको पता लग रहा होगा, जहां ग्रुप को शो करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन नाउन का पार्ट हो गया। स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे क्लास में, तो क्लास क्या हो जाएगी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। जैसे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स तो खेलने वाले होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को कलेक्ट कौन करती है, एक टीम। जैसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे हैं, अगर एनिमल्स का झुंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हर्ड। एनिमल्स के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। तो जहाँ कलेक्ट होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्राउड, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, हम टीम बोलते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को क्या बोलते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोल देते हैं बैंड। अगर बहुत सारे रोबर्स हैं तो उसको क्या बोल देंगे, हम गैंग बोल देंगे। जब ग्रुप मिलकर कोई एक चीज बनती है, स्टूडेंट से मिलकर क्या बनती है, क्लास, प्लेयर से मिलकर क्या बनती है, टीम, एनिमल से मिलकर क्या बनता है, झुंड, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यूजुअली ये 5 नाउन्स होते हैं। वैसे तो हर नाउन का अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और बहुत डीप में इनको जाना होता है, लेकिन बस फिलहाल स्पीकिंग में अगर आपको समझना है, स्पीकिंग बस इतना ही काफ़ी है कि नाउन क्या होता है। यूजुअली 2 कैटेगरी होती है नाउन की, जिसको हम सेंस जो हमारी, अगर वो सब समझ सकते हैं तो वो नाउन होता है, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे दिमाग की पद्धति है। अब सब कुछ देख लीजिए, सब वही के वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर मैं अपने इससे पहले वाले रूल की तरफ बढ़ूँ, सेंस की बात करूँ, जैसे प्रॉपर अगर बात करूँ, सपोज मेरा नाम कपिल है तो आप मुझे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सपोज किसी का नाम राम है तो उसे हम देख भी सकते हैं, तो नाउन हो गया। नंबर 2, कॉमन नाउन है, बॉय है, फोन से, कार है, ये भी हम इनको देख सकते हैं। नंबर 3, मटेरियल है, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमारे दिमाग की वजह होती है। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन, इसको हम देख भी सकते हैं। तो आई मीन टू से, अगर वो सेंस मैंने जो बोली है
उसके अलावा नाउन की ये पांच कैटेगरीज होती हैं जो मैंने सेंस और एब्स्ट्रैक्ट बताया, वो शायद आपको बुक में ना मिले लेकिन ये तो आपको किसी बुक में मिल जाएगा। तो यूजुअली एक्चुअल नाउन की कैटेगरीज ये होती हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कॉमन नाउन की तरफ हम चलेंगे। अब देखिए कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा। कॉमन नाउन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कॉमन नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, बाकी जितने भी नाउन हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन कॉमन नाउन दो होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे मटेरियल नाउन है, अगर मटेरियल नाउन जैसा है वो वैसे ही रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर ईमानदारी है, ना तो वो सिंगुलर है ना प्लूरल है, वो जैसी की है ऐसी रहेगी। अगर किसी का नाम है, सपोज किसी का नाम है, ना तो वो सिंगुलर है ना वो प्लूरल है, ये राम है तो राम ही रहेगा। लेकिन कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, लाइक बॉय है, गर्ल है, पेन है, जो सिंगुलर होता है वो कॉमन नाउन का सिंगुलर तो ये होता है जो एक होता है, इसी का ये प्लूरल बन जाता है। मैक्सिमम केसेस में अगर कोई नाउन है तो उसके लास्ट में एस लगा के उसको हम प्लूरल बना देते हैं। 90% केसेस में तो ये बात सच है, लेकिन सभी नाउन के साथ ये बात सच नहीं होती कि सभी के लास्ट में हम एसोरेज लगा के प्लूरल बना देते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ में एसोरेज भी नहीं लगता, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ में चेंज होते हैं, कुछ सेम भी रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं सिंगुलर अलग होते हैं प्लूरल अलग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं, सारे तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन जो कॉमन मोस्टली यूज होते हैं उनको मैं बताता हूं। जैसे चाइल्ड है, एक बच्चा, अगर मैं इसकी प्लूरल की बात करूं तो चिल्ड्रन हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे। ना ही तो कभी चाइल्ड में ऐसा लगता है, ना ही कभी चिल्ड्रन में ऐसा लगता है, ठीक है, कभी मत लगाना। हाँ, अगर चाहे तो अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है अगर जरूरत पड़े, जैसे चिल्ड्रंस डे आपने सुना होगा। नेक्स्ट, जैसे टूथ होता है एक दांत और टीथ होते हैं सारे दांत, जैसे फुट होता है एक पैर और फीट होते हैं दोनों पैर, जैसे एम ए एन मैन होता है एक और एम ई एन मैन होते हैं बहुत सारे, जैसे डब्ल्यू ओ एम ए एन होता है एक और डब्ल्यू ओ एम ई एन वीमन होते हैं बहुत सारी औरतें। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी तो नाउन की क्लास जैसे आपकी आएगी धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, फिलहाल तो बस हमें इतना समझना था। नाउन को जज करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप ये सब भी नहीं समझ पाए हैं तो जो सबसे पहला सेंस का मैंने आपको बताया था वो तरीका सबसे अच्छा है नाउन को जज करने का। बाकी तरीके वो कम्पिटिटिव एग्जाम या नॉलेज के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको केवल इंग्लिश ही सीखनी है तो बस वो सेंस वाला फॉर्मूला आप याद रखें, उसी तरीके से हम नाउन को समझते हैं। अब इसके अलावा हमारा आर्टिकल का पार्ट आएगा, लेकिन आर्टिकल को समझने से पहले हमें नाउन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।